अस्सलाम वालेकुम परदेसी स्क्वाड, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक है? आज हमारे साथ वंस अगेन द वन एंड ओनली फूडी नैक्स, द टूर गाइड. यस, व्हाई फूडी नैक्स? मैं आज आपको एक अपना रिव्यू देना चाह रहा हूँ अबाउट दुबई, क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि हम दुबई में शिफ्ट हो गए हैं. तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई दुबई में कैसा जा रहा है आपका लिविंग एक्सपीरियंस. सो वो सारी आज बातें होंगी. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द व्लॉग. लेट्स गो गाइज. एक तो आपने डीसी का सुपरमैन देखा होगा और एक ये हमारा सुपरमैन है. बहुत बुरे लग रहे. तौबा. अच्छा गाइज, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है सो फार दुबई के बारे में वो ये है कि यहाँ पे जो सेफ्टी है इट्स ऑन अनदर लेवल. यहाँ की सेफ्टी इतनी अच्छी है कि मेरी फैमिली आधी रात को खुलेआम घूम सकती है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है. यहाँ पे कोई चोरियाँ डकैतियाँ नहीं हैं, लड़ाइयाँ नहीं हैं. यू नो इट्स अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट. तो जहाँ पे ज़हनी तौर पे आपको इतना सुकून मिल रहा है वहाँ पे मज़े तो होंगे भाईजान. और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दुबई के, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा. लेकिन फ़िलहाल थोड़ा घूमते फिरते हैं, आपको लोगों से मिलवाते हैं, उनकी भी राय लेते हैं और फिर देखते हैं कि उनके क्या कहने हैं. लेट्स गो. क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम. अब्दुल हकीम भाई, कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से. पाकिस्तान किस जगह? पेशावर से. करेक्ट, पेशावर से. माशाल्लाह, आप शर्मा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, शर्मा नहीं हो रहे. ये माशाल्लाह आपकी टैक्सी है, आप टैक्सी कर रहे हैं? जी जी. और कैसा चल रहा है आपका निज़ाम इधर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास है. वन है. कितना अरसा हो गया यहाँ पे? 11 साल हो गए मुझे. 11 साल? वाह. तो 11 साल से ही आप टैक्सी कर रहे हैं या? तकरीबन 10 साल टैक्सी में हो. कहाँ से आप? मैं पाकिस्तान से. पाकिस्तान जिंदाबाद. किस जगह, कौन से शहर? पाकिस्तान वजीराबाद के पास है, सोधरा. और यहाँ पे दुबई में आपको कितना अरसा हो गया? दुबई में तकरीबन हो गया 1 साल हो गया. 1 साल. और आपका कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. ये तंदूर कब से चला रहे हैं? इसका हो गया 3 साल हो गया. 3 साल हो गया. और कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा है. दुबई में कैसी जिंदगी, कैसी गुजर रही है आपकी? दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जिंदगी है, बस काम अच्छा है. साढ़े इतने पाकिस्तानी होर भरा मिल गए ने सानू, माशाल्लाह. भाईजान किधरों तुसी? मंडी बाबा दीन. मंडी बाल दीन गुजरा. फैसलाबाद. क्या बात है, देखो पूरा नेशन इकट्ठा होया है. तुसी दसो थानू कितनी देर हो गई? मैंने 5 साल हो गए. 5 साल. तो कैसा जा रहा है निज़ाम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. बेसिकली इतने ड्राइविंग का काम बहुत अच्छा है. अच्छा. लाइसेंस लो तो ये माशाल्लाह बेसिक जी बहुत अच्छी मिलती है. की पसंद है उस जॉब के बारे, तुहानू की पसंद की आया? सानू तो फिलहाल बाइक का शौक से. अच्छा. असी बाइक का आके लाइसेंस ले. लोग क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं इधर तकरीबन 10-12 साल से हूँ. 10-12 साल. एक प्राइवेट कंपनी है उसमें जॉब कर रहा हूँ. आपकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान में ही है? जी पाकिस्तान में. तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, यानी आप क्या सोच के आए थे? आप हमारा जो फैमिली था, फैमिली के जो मेंबर है वो यहाँ पे टैक्सी चलाते थे पहले. अच्छा. जो हम देखते थे उनसे जो मतलब सीखते थे कि वो हम भी जाके ऐसे ही करेंगे. क्योंकि एजुकेशन का प्रॉब्लम है हमारा, इतना तालीम नहीं है. तो फिर हमने यहाँ पे आके कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया, तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह भी सही चल रहा है. तो दुबई की जो गवर्नमेंट वगैरह है वो काफ़ी सपोर्टिव है? काफ़ी सपोर्टिव है. अब स्पेशली जो हमारे जैसे मतलब काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत है आसानी है. यानी जो इधर मेहनत करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है? जी बहुत आसान है. कमाई जो है वो ठीक है, सेविंग हो जाती है या बस? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है. करने वाला हो तो. करने वाला हो तो. हाँ देखा, करने वाला हो तो. छुट्टी तो अपनी मर्जी की होती है और कंपनी की तरफ से 10 घंटे की ड्यूटी होती है. फैमिली खुश है आपकी? फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह खुश होनी है ना. शादी हो गई है? नहीं नहीं शादी नहीं हुई है. इसलिए आप ज़्यादा खुश फेर रहे हैं. अच्छा मुल्क है, काम वाम है, सब ठीक ठाक है, फिर बहुत अच्छा है. तो कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरा अभी तक बच्चा नहीं है. अच्छा. सिर्फ शादी किया, बच्चा मच्चा भी नहीं है. बच्चा मच्चा नहीं है, बच्चा मच्चा हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. थोड़ी भी फैमिली माशाल्लाह पीछे? जी हाँ, मेरे 4 बच्चे ने फैमिली. माशाल्लाह. कितना अरसा बाद थोड़ी यानी थोड़ी मुलाकात होंगी? फर्स्ट टाइम जो आया सी मैं 3 साल बाद गया सी. अच्छा. पाकिस्तान. ओए होए होए होए, 3 साल बाद. 2 साल मैंने कंपनी में काम किए थे. अच्छा. तो उसके बाद लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेके बाइक का तो फिर गए थे, 1 साल लगा. तो जब आप 3 साल बाद गए थे, जाहिर सी बात है बेगम बच्चे, तो क्या फीलिंग आई थी यार? बहुत ज़बरदस्त फीलिंग थी.
इमोशनल बिल्कुल यार, ये देख लें कि अपनी फैमिली के लिए मर्द जड़ा होता ना कितनी मेहनत करता है। ड्यूटी होती है 12 घंटे का शेड्यूल होता है, 10 घंटे ड्यूटी। अच्छा, 2 घंटे रेस्ट होती है बेसिकली। यानी फुल मेहनत, लेकिन वो बावजूद भी माशाल्लाह देख लो साढ़े भरा सारे खुश ने, स्माइल है अजे भी। जो बंदे आना इतने उन्हें काम तो करना पैना, पहले तो मेहनत तो करनी पैनी। हाँ, मेहनत करनी पैनी है। जो पहले चिल कर लेगा फिर काम नहीं करेगा, पहले मेहनत करेगा तो फिर बाद चिल करेगा। तो कमाई वगैरह हो जाती थोड़ी ठीक? कमाई अलहमदुल्ला ठीक है। जो लोग आना चाह रहे हैं मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि आने से तकरीबन 2-3 महीने पहले से यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। कुछ लोग आते हैं आके यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करते हैं तो फिर उससे आपके 2 महीने जो है ना वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कॉल आना शुरू ही होती है 2 महीने बाद आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है। तो 2 महीने पहले आप ऑनलाइन वहाँ पर अप्लाई करें और फिर आपको इंटरव्यूज़ जो है ना आपके आने से पहले 2-3 इंटरव्यू रेडी हों, आके आप इंटरव्यू वगैरह दें और फिर जॉब स्टार्ट करें। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो सेविंग वगैरह क्या यानी हो जाती है आसानी से? बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मैं अगर सच बताऊं तो पाकिस्तान में मिनिस्टर भी इतना नहीं कमा सकते जितना अल्हम्दुलिल्लाह हम कमाते हैं। वाह वाह वाह। तो कितने घंटे आप करते हैं काम? 12 घंटे होता है, लेकिन उसमें 10 घंटे ड्यूटी रोड पे होना चाहिए, 2 घंटे आप रेस्ट कर सकते हैं मतलब। अच्छा जी जी। तो अगर कोई पाकिस्तान से इधर आना चाहता है और वो भी टैक्सी ही करना चाहता है? जी जी। यानी जरूर पहले टेस्ट पास करना होगा क्या? उसके टेस्ट होते हैं उसमें स्पेशली, अभी तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाजमी है, वो चाहिए लाजिम, और ऊपर से फिर यहाँ पे नॉलेज का टेस्ट होता है, वो टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद जाके कंपनी में अप्लाई आप कर सकते हैं। फिर वो अगर आपके पास पाकिस्तानी ओरिजिनल लाइसेंस है तो फिर हमारा कंपनी सपोर्ट भी करती है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस दुबई के लिए पैसे भी कंपनी देते हैं, मतलब बहुत आसान है, इजी है। वो रूम के लिए भी फिर वो 300 दिरहम देता है खाने के लिए कंपनी। अच्छा। हाँ वाह, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है बिल्कुल। तो यानी आप बहुत खुश हैं यहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। तो जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या राय है, क्या मैसेज है? उनके लिए वही है कि पहले तो कोशिश करो कि अपने मुल्क में मिल जाए अच्छा काम, तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ये दुबई वेलकम करेगा, आप वेलकम करेगा। जी जी। तो और जो लोग मेहनत करना चाहते हैं उसके लिए? तो उनके लिए तो मतलब एक सुनहरी भाव है। लोगों ने आवाम ली या जड़े लोग दुबई आना चाह रहे ने उन्हें कोई मैसेज? उन्हें मैसेज यही है कि अपना आन इतने मेहनत कर, अपनी फैमिली लिए मेहनत कर, अपनी फैमिली नू सपोर्ट कर, अपनी फैमिली नू खुश रखन। और कोई पैगाम पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के यही है कि बस अल्लाह करे बेहतर हो जाए, आमीन, बेहतर हो जाए, जैसे हम यहाँ खुश है वहाँ भी आप ऐसा ही खुश रहना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। और एक क्वालिटी बताएं दुबई के बारे में जो आपको बहुत पसंद है? दुबई जैसे ऐसी कहने ना लाहौर लाहौर है, तो जो दुबई दुबई है, दुबई में लाइफ है तो इन्जॉय करने के लिए सारी टेंशन बंदा एक मिनट के लिए कुछ टाइम के लिए भूल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? इधर इधर दुबई में जी। सॉरी हमारा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रोटी ना जल जाए। ये एक्चुअली हमारा ही ऑर्डर लगा हुआ है। तो भाईजान लास्टली पैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं बैक होम या क्या कैसे? हाँ जी, वो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। और कैसे क्या, व्हिच प्लेटफॉर्म डू यूज? एक्सचेंज, एक्सचेंज पे जाके। हाँ, मैं एक्सचेंज 2-3 एक्सचेंज में रेट चेक कर लेता हूँ, जो अच्छा रेट होता है उसके थ्रू। अगर मैं आपको बताऊँ कि एक ऐप ऐसी है जिसमें वन ऑफ द बेस्ट रेट्स आपको मिलेंगे और दस्ती ट्रांसफर होंगे। अच्छा, टैप टैप सेंड। क्या बोला? टैप टैप सेंड कर सकते हैं, टैप टैप सेंड। अच्छा, मुझे ये बताइए आप पाकिस्तान जब आप पैसे भेजते हैं यहाँ से तो आप कैसे भेजते हैं? कैसे भेजते हैं? बैंक से। अगर मैं आपको बताऊँ एक नई ऐप आई है टैप टैप सेंड, ऐसे फ़ौरन उनके एक्सचेंज रेट बहुत ज़बरदस्त है। पैसे शैसे उधर भेज रहे हैं आप? क्यों नहीं भेजेगा। पैसे आप कैसे भेजते हैं? वनडे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं उससे भेजेगा। अच्छा, आप पैसे कैसे भेजते हैं? पैसे तो यहाँ एक्सचेंज से भेजते हैं हम। मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लें। okay. टैप 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 सेंड सेंड यस okay. yes. और इंस्टेंटली फौरी तौर पे पैसे पहुंच जाते हैं उधर। इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को आसान करें। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप पैसे भिजवाना चाहते हो UAE, US, UK, यूरोप या कनाडा से तो टैप टैप सेंड ऐप को डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें। आप पैसे भेज सकते हो किसी भी बैंक अकाउंट, जैस कैश, इजी पैसा या 1300 UBL ब्रांचेस से कैश पिकअप के लिए। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे राहिम परदेसी तो आप हासिल कर सकते हो 25 दिरहम, $10, 10 यूरो या 10 पाउंड का बोनस भी। लव यू हो गया, लव यू हो गया, पाहिन कहते लव यू हो गया। गुजरांवाला यार, गुजरांवाला की मशहूर है वैसे। गुजरांवाला सिरी पावे चिड़े, सिरी पावे चिड़े, सिरी पावे तो चिड़े, चिड़े की होंदे? चिड़े या हंगरिया?
अच्छा ओ अच्छा जेड़े तित्तर बटेरे गुजरातियां दा दुध खैर दुध तो साढ़े साहिवाल का भी बड़ा मशहूर है साहिवाल दियां मज्जा क्या बात हमने मंगवाया है न्यूटेला नान न्यूटेला नान और चीज़ नान ओ हो भाई नान पे ज़रा फोकस कर जरा हाँ ये न्यूटेला वाला है क्या बात है बेहतरीन है नाम है खोखर ब्रांड भाईजान दिखाओ वो कैमरे जो दिखाओ जरा खोखर इज अ ब्रांड खोखर भाजन ब्रांड ने हाँ जी इजी नहीं लेना दुआ है जी हम सब की तरफ से कि आपको अल्लाह ताला और कामयाब करे आप मेहनत भी करते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं आपको सलूट है हमारी तरफ मुझे तो बहुत अच्छा लगा अपने पाकिस्तानी भाइयों को यहाँ पे देखते हुए मेहनत करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए चाहे गर्मी हो या सख्त सर्दी हो वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं हमारी तरफ से इनको सलाम है ऑल द बेस्ट प्यार वाले भाई हैं इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और टैप टैप सैंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात आज हम आए हैं वाटर पार्क पे ज़ियान को नया नया कराने क्यों ज़ियान आर यू हैविंग फन हाँ जी कहाँ जाना ए कौन ही दादा ही सेंटा क्लॉज ने सुर्खी लाई है सीधा जफ्फी पा इतने रख ए तुनी च की ओए सेंटा दी तुनी च की कर रहे मिल लिया बहुत मिल लिया सेंटा ने ध्यान धक्का लगाओ जोर से शाबाश कुड़ियां वाल ना वेख अगे वेख ये छोटा सा वाटर पार्क मेरे घर के बिल्कुल पास है सो जैसा कि आपने देखा कि ज़ियान ने वाटर पार्क बहुत एंजॉय किया लेकिन अब सवाल यह है कि अगले व्लॉग में ज़ियान कहां जाएगा देखते रहिए हमारे व्लॉग्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पीस आउट